अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, उम्मीद है कि आप सैयद अल इमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दारे कम स्कूल की तरफ से आपको असेसमेंट सॉल्व सेशन करवाया जा रहा है। आज हमारे पास मैथ्स का लेक्चर नंबर है 920। हम अपने असेसमेंट सॉल्व सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन का। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। लेक्चर 20, क्लास 2, सब्जेक्ट मैथ्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन राइट मल्टीप्लिकेशन लाइक, ये स्टूडेंट्स ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीजन का है, तो जिसके दरमियान में क्रॉस आएगा वो हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन को राइट करते हैं। 5 × 3, ये हमारा सही ऑप्शन है। वॉइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 100, 10, 1s। हमेशा हम भी जब भी स्टूडेंट्स ये देखा क्वेश्चन है, इसको हम वंस वाली साइड से ही सॉल्व करते हैं। 3 × 3 = 3, 3 = 9, ठीक है। 4 × अब यहाँ पे ब्लैंक है कि हमने 4 को किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास आंसर 40 आया। 4, 40, 10, 10, 4 × 10 = 40। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन है मल्टीप्लाई दीज। 10 × 5 = 5, 5 × 0 = 5, 1 = 5, 10 × 5 = 50, 6 × 9 = 54, 10 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि 0 को जिस भी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। हमारे पास है कॉलम ए और कॉलम बी। 9 × 5 = 45, 7 × 7 = 49, 9 × 8 = 72, 8 × 0 = 8, 0 × 0 = 0। लास्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है 8 का 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 64, 8 × 9 = 74, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 80। स्टूडेंट्स आपको हर असेसमेंट शीट के लास्ट पर टेबल दिया गया है ताकि आपका जो टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस और अपने एमसीक्यूज और अपने कॉलम्स को सॉल्व कर सकें। इसी उम्मीद है कि इसी सेशन सॉल्व सेशन के अकॉर्डिंग आपने इस असेसमेंट को सॉल्व किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं कि अभी तक किया, और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।